हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। मनुष्य की जिंदगी में थोड़ी का सा खुशी आ जाए तो तोसे देखल ना जाला, फिर केहू के भेज देबे लोकरा में जहर घोले के खातिर। काहे काहे, अरे हम तोहार का बिगड़ ले। ई का कह रहल है आप, का हो गइल हो आपके? और अक्रूर जी से झगड़ के आ रहल है आप, और एह भगवान जी से झगड़ रहल है। आखिर कुछ तो बताएं कि का बात था। का बताई यशोदा, हम का बताई तो के? आज हम ये निर्दय से ही पूछे आयल है कि हम एकर का बिगड़ ले है। ऐसा कौन पाप कैले है हम जे हमार जीवन में काटा ही काटा बो दिलस। बड़ा मुश्किल से एगो बेटा दिले रहे, ओकर खुशी तक कम दिलस, बाकी कदम कदम पर ओकर मृत्यु के भय दिखा के पल पल हमार हृदय के कपावत रहल है। कबो पुतना ओकरा जहर पियावे आ गेली, तो कबो तृणा वर्तमान निरी लैका के लेके आकाश में उड़ गेल, कबो बकासुर ओकरा मारे आ गेल, तो कबो कौनो अजगर के मुंह में दे देलस। तू नहीं खुद जानत यशोदा, तू नहीं खुद जानत, हम ओकरा संग हसत रहली, बाकी रात रात भर ये डर से सुत ना पावत रही कि पता ना कौन सा नया विपत्ति आ जाए हमार लाल पर। आज सबसे बड़का पहाड़ हमार माथा पर तोड़ दिलस, अक्रूर से ये कहलवा के कि कृष्ण हमार बेटा नहीं खे। का 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 कहले अक्रूर जी? वो कहले कि तू ओकर माही नहीं खू, हम ओकर पिता नहीं खी, और वो हमार बेटा नहीं खे। ना ना, वो ऐसन ना कह सकेलन, केहू ऐसन कैसे कह सकेला? आप जरूर सुने में कौनो गलती कर रहे हो कम? ना यशोदा ना, हम सुने में कौनो गलती नहीं की कहले।
उस साफ शब्द में हमसे यह कहलन कि कृष्ण तू दोनों के बेटा ना। ना भगवान खाते ऐसे शब्द मत दोहराई, मत दोहराई ये बात के। वो इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकेले? वो कहलन यशोदा वो ये कहलन। चलिए हमरा संगे, हम अभी अक्रूर जी से पूछे थे कि वो इतना बड़ा झूठ बोले के हिम्मत कैसे कहलन। चलिए हमरा संगे, चलिए। आई हमरा संगे, चलिए चलिए। आप ये कहली कि कृष्ण हमार बेटा नहीं खे? बोली आप ये कहली कि कृष्ण हमार बेटा नहीं खे? हम ये कहली। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ बोले कि आपके हिम्मत कैसे भइल? एगो माई के सामने ये कहत कि ओकर बेटा, ओकर अपन बेटा ना हो, आपके जीव ना थर रहे, आपके आत्मा ना कापल। अक्रूर जी, बेटा कौनो चांदी के लोटा या सोना के गहना नहीं खे, जेकरा आप ही कह सके कि हम के हुआ और से चोरा ले रहे। बेटा स्त्री के हृदय के एगो टुकड़ा होखेला, माई के शरीर के एगो अंग होखेला, वो एगो अंग। लड़का भगवान के भेजल एगो दिव्य शरीर होखेला, जेकरा माई अपन शरीर में से जन्म देवेली। इस सत्य के स्वयं परमात्मा भी ना झुटला सकेलन। तो आपके होत है ई कहे वाला कि जेकरा हम 9 महीना अपन गर्भ में रखली, जे हमरे कोख से जन्म लेलस, वो हमार बेटा नहीं खे? बाकी कृष्ण आपके कोख से जन्म नहीं खे लिहले, यही से वो आपके बेटा नहीं खे। ऐसन बात कर महापाप है अक्रूर जी, महापाप। ऐसन ओछा बात कर आपके लाज ना आए? भाभी आप हमार व्यवस्था के काहे ना समझाताई? हम रास्ता भर भगवान से ये प्रार्थना करत आवत रहली कि काश आपके ये साँच बतावे से पहले हमार मृत्यु हो जाए, हम मर जाई। बाकी का करी, परिस्थिति हमके मजबूर कर दीले बा साँच बतावे खातिर। एगो झूठ के आप साँच कैसे कह सकत हैं? सगरे संसार जानेला कि ए घर में हमार कृष्ण हमार कोख से जन्म ले ले बा, वही बात के आप झूठ कैसे कह सकत हैं? चल और झूठ बोले के भी कौनो सीमा होखेला क्रूर जी? चल के सीमा होखेला देवी, बाकी सांच के कौनो सीमा ना होला। सांच हर जगह और हर समय सांच ही रहेला। सांच के कुछ समय खातिर छुपावल जा सकेला, बाकी सांच के छिपावे से सांच झूठ ना हो जाला। और ये बात ए समय हो रहल है, हम लोग इतना वरिष्ठ की सत्य के छिपैले रख ली, बाकी आज सत्य प्रकट हो चुकल है। ये हम लोगन के दुर्भाग्य है। अक्रूर जी, जे आप कह रहल है यदि उ सांच बा त एकर कौनो प्रमाण बा आपके पास? हाँ, हाँ। बाकी ओकरा से पहले हम आपसे एगो प्रश्न करत हैं कि कृष्ण ही घर में यशोदा भाभी के ही गर्भ से जन्म लेलस, एकर कौनो प्रमाण बा आपके पास? सबसे पहले उ लड़का के देखलस? हम आप ओकरा जन्म लेते देखली? ना, हम जब हुआ गईली तो लड़का के जन्म हो चुकल रहे।
कक्ष में और के रहे। नंदराय जी, आप वो लड़का के जन्म ले देख ले रही? ना, ना, हम सुतल रही। और यशोदा भाभी? वो तो बेहोश रहनी। और केहू रहे? कौनो दाई, कौनो गांव के औरत? ना, एक अर्थ ई भइल कि कृष्ण के जन्म लेत केहू भी ना देखलास। बस करी भगवान का दी, बस करी। एक ऐसन बेकार की बात हो रहल बा, केहू देखलस ना तो एकर ई अर्थ तो नहीं खे कि हम लड़का के जन्म ही ना देली। हम 9 महीना तक एगो लड़का के अपन कोख में रख ले रहे, आखिर हम केहू के तो जन्म देले हो कब ना? जरूर जन्म देली भाभी, जरूर जन्म देली। बाकी आप जकरा जन्म देली उ एगो लड़की रहे, जकरा बारे में ये प्रसिद्ध बा कि जब कंस ओकरा देवकी के संतान समझ के पत्थर पर पटके के कोशिश कैलस तो वो अष्टभुजा देवी के रूप धारण कर लिहले रहे। रे मूर्ख, हमके मारे से तुहार कुछ ना हुई। तुहके मारे वाला तो केहू और बा, और उ ए धरती पर जन भी ले चुकल बा। ये कहानी साच हो सकेला, बाकी ऐसे ई सिद्ध ना हो खेला कि उ लेकी हमरे बेटी रहे। यदि उ हमार बेटी रहे तो उ कारागार में कैसे पहुंचल? जरूरे उ देवकी के ही बेटी रहे। ना भाभी ना, उ देवकी के ना आपके बेटी रहे। यदि हमार संतान एगो लड़की रहे तब फिर हमार कृष्ण के कर बेटा भागे कर। देवकी और वसुदेव के, यदि वो देवकी के बेटा बा तो हमरा घरे कैसे आयल? ओह रात कुमार वसुदेव, ओकरा आपके बिछौना पर रख के बदले में वो कन्या के ले गेल रहे। वसुदेव जी, वो बंदी गृह के बेड़ी तोड़ के कैसे आ सकत रहन? हाँ, ओ समय कौनो दैवी शक्ति के कृपा से उनकर बेड़ी अपने आप टूट गई रहे। एक काल्पनिक कहानी पर हम कैसे विश्वास कर लें? एह बात पर ओही तरह विश्वास कर ली नंदराय जी, जे तरह हम ओह बात पर विश्वास कर ली ले रही जब महामाया देवी देवकी के गर्भ के संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में बलराम जी के स्थापित कर दी ले रही। ओ बात की पुष्टि स्वयं गुरुदेव शांडिल्य कहले रहन, वहां के कहले रही कि जे कुछ देवी सपना में यशोदा से कहली वो सब साच है। गुरुदेव शांडिल्य कब झूठ ना बोल सकत रहन? ते ये बात के भी साच मानी, कहे कि ये बात स्वयं वहां के ही हमके बतैले हैं जे कबो झूठ ना बोले ली के कुमार वसुदेव। वसुदेव भैया? हाँ वसुदेव भैया, ऐसा ना कह सकेले ना। हाँ भाभी, ई बात स्वयं मुहे स्वीकार कैले रहन, स्वयं हमू ई बात के कई बरिस से जानत रही और कई बार आपके बतावल भी चाहत रहली कि कृष्ण के संगे इतना मोह मत बढ़ाई, मोह मत बढ़ाई भाभी। बाकी कुमार वसुदेव जी हर बार मना कर देलन हमके। इतना बरिस तक चुप रहला, फिर आज ही हमरा पर ये छुरी चलावे काहे आयल बाड़क काहे? हमार दुर्भाग्य, हमार विवशता भाभी,
कैसन विवशता। देव की भाभी के आज्ञा आप ना समझ सकब कि ये आज्ञा के पालन करे में हमार दिल पर कितना छुरी चल रहल बा। देव की भाभी के ई एगो आज्ञा हमार जीतल बाजी के हरा दिलस। असल में वो भी बेबस हो गई रहली। ए रहस्य के छिपावे खातिर कितना सालू बेचारी कारागार के यातना सहली, बाकी वो ना कोली। बाकी जब कंस कुमार वसुदेव भैया के जहरीला सांप से भरल अंधा कुआं के ऊपर टांग दिलस, तो वो पतिव्रता स्त्री के बेबस होके कंस के सामने ही कबूल करे के ही पड़ल कि कृष्ण ही उनका आठवां संतान बा, जकर ऊ हत्यारा के आज तक तलाश बा। तबे मजबूर होके देव की भाभी हमके आज्ञा दिली कि हमार बेटा के गोकुल से ले आवा और कंस के हवाले कर द। हम उनका से कहली भी कि हम यशोदा भाभी से कैसे कहब का कहब। इतने कहली कि यशोदा से कही है हम अपन पति के प्राण के रक्षा खातिर अपन बेटा के भीख मांग रहल हैं। हमार बेटा लौटा द, 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 हमार बेटा लौटा द। यशोदा
लाल को संकट बीच बुला के देव की रोए अब बच जाके सोच रही है मात यशोदा क्यों सी जाए कपोदा एक आशंका मानव अपने सपन सजोए विघ्ना अपनी चल चले कृष्णा